हेलो, आवाज़ आ रहा है आपको? हाँ तो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं लखन सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय लखन सिंह में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज हम पढ़ेंगे क्या, अर्थमेटिक में एवरेज एवरेज आज हम पढ़ेंगे। तो एवरेज को पढ़ने से पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट पढ़ा चुका हूँ, जो कि मेरे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं, देख सकते हो आप। और एवरेज को आज हम पढ़ेंगे, तो इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक, कोई सूत्र, ये शॉर्ट ट्रिक फॉर ट्रिक, मतलब किसी का भी यूज नहीं करना है। और एकदम बेसिक, क्या बोलते हैं, मेथड से, मतलब ऐसे सीखो कि दिमाग और दिल में बस जाए, ठीक है? उसी तरीके से सिखाऊंगा। अगर आप ध्यान लगा के अगर पढ़ेंगे तो रियल में आपके दिल और दिमाग में बस जाएगा, ठीक है? तो एवरेज की शुरुआत करता हूँ मैं आपको। देखिए, एवरेज क्या होता है? मान लो तीन बंदे हैं, तीन बंदों को मान लीजिए, तीन बंदों के पास में टोटल, क्या बोलते हैं, 300 रुपये हैं, ठीक है? तीन बंदों के पास 300 रुपये हैं, 300 रुपये हैं, बंदे तीन हैं। तो इनका एवरेज पूछेगा कि इनको एवरेज रुपये, अगर इनमें, अगर इन रुपयों को इन तीन बंदों में बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना आएगा? सिंपल है, 100 100 रुपये तीनों को हम दे देंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है तो हमने हिसाब लगा लिया आराम से, 100 100 करके तीनों को दे देंगे, तो 300 आराम से हो रहा है, ठीक है जी? ये लेकिन ये 100 निकला कैसे? हमने 300 में 3 का भाग दिया तभी 100 100 आया जी। इसका मतलब क्या है? टोटल रुपए हैं उनमें, जितने व्यक्ति हैं, जितनी संख्या है, उनका भाग देते हैं तो एवरेज निकलता है, ठीक है भाई? 300 रुपये थे, और सभी को एवरेज क्या होता है? सभी को बराबर में लाना, मतलब पैसे हैं तो सभी को बराबर देना। लाभ है, एवरेज लाभ निकालना, मतलब कुछ भी, मतलब एवरेज का मतलब ये है, मतलब सभी को, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सबको बराबर रखना है, ठीक है? जैसे मान लो एक के अंक है 10, एक के 20 और एक के हैं 30, ठीक है? तब ये ए के हैं, ये बी के हैं, ये सी के हैं, तो इनको एवरेज निकालेंगे। इसके पास 20 है, इसके पास 10 है, इसके पास 30 है, इस पे ज़्यादा है, इस पे कम है, बीच में है, इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, 10 निकाल के इसको दे देंगे, तो इसके पास भी 20 हो जाएंगे, इसके पास ऑलरेडी 20 है, इसके पास 20 बचेंगे, तो ये 20 20 20 तीनों को बराबर लेवल में हम ले आए, तो ये एवरेज है। एवरेज का मतलब अभी आप समझ गए होंगे, सभी को बराबर रखना है एवरेज में, ठीक है? औसत का मतलब वही होता है। चलो, बाकी हम अभी क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, और आपके क्वेश्चनों में आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तीन व्यक्तियों के समूह के पास 150 रुपये औसत है, कुल रुपए कितने हैं? देखिए, क्वेश्चन बोला तीन व्यक्तियों का समूह है, मतलब तीन व्यक्ति हैं, उनके पास ना 150 रुपये का एवरेज है, मतलब अगर हिसाब लगाया तो सभी के, अगर पैसों को बांटा जाए तो सभी के पास 150 150 रुपये का एवरेज निकलता है, मतलब सभी के पास 150 150 रुपये उनके हिस्से में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है क्वेश्चन का। तो कुल रुपए कितने हैं, कैसे निकालेंगे? एक के पास 150 हैं एवरेज में, तो तीन के पास कितने हो जाएंगे? 450 रुपये, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? एक आदमी चावल के 7 बैग 800 रुपये प्रति बैग में
और 8 बैग 1,000 रुपये प्रति बैग में तथा 5 बैग 1,200 रुपये प्रति बैग में खरीदता है। प्रत्येक बैग का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति है वो चावल की बैग मतलब बोरी खरीदता है, तो 7 बोरी तो वो 800 रुपये प्रति बैग के हिसाब से खरीद रहा है, और 8 बोरी वो 1,000 रुपये प्रति बैग के हिसाब से खरीद रहा है, और लास्ट में जो 5 बैग हैं उनको वो 1,200 रुपये प्रति बैग के हिसाब से खरीद रहा है। प्रत्येक बैग का एवरेज क्या है ये पूछ रहा है। अगर क्या पूछ रहा है, प्रत्येक बैग का, एक बैग अगर सभी को एक रेट में लाया जाए तो एक एक बैग की कीमत कितनी पड़ेगी ये पूछ रहा है, मतलब। ठीक है, एवरेज देखो, 7 बैग खरीदे उसने 800 के हिसाब से, तो 7 बैग 800 के हिसाब से खरीदे तो कितने के खरीद लिए 7 बैग, 5,600 के, और 8 बैग खरीदे 1,000 के हिसाब से, तो 8 बैग कितने के हो गए 8,000 के, और 5 बैग खरीदे उसने 1,200 के हिसाब से, 1,260, 6,000 के जी हो गए। तो टोटल कितने बैग हो गए, देखिए 8, 7, 15, 5, 20, 20 बैग कितने में टोटल खरीद लिया उसने, 0,06। ठीक है, कितना हो गया, 6, 5, 11, 8, 19। ठीक है, 20 बैग उसने 19,600 रुपये में खरीदे, तो एक बैग कितने में खरीदा कैसे निकाल देंगे, 19,600 बट्टे 20, 0,02 से इसको काट देंगे, कितना जाएगा, 2×9 = 18, 2×16 = 0, इतने रुपए ये आ गया, एक बैग की कीमत आ जाएगी, एवरेज आ जाएगा एक बैग का। ऐसा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में शुरू में देखो नोट दे रखा है, मैंने लिखा है प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं तथा पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। मतलब क्या हुआ पता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, मतलब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डॉट अनंत तक। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होंगी जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होंगी, 0,1,2,3, डॉट अनंत तक। ठीक है, ये अंतर है प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में। ठीक है, तो अभी आ जाइए, पहला क्वेश्चन है इसी इसी पे बेस्ड है। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो देखो कैसे कर लेंगे, एक तो आप निकाल सकते हो पहली 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों को जोड़ दिया, संख्या कितनी 5, 5 का भाग दे दिया, निकल जाएगा एवरेज कितना हो गया, 5×9 = 10, 11, 12, 13, 14, 15 × 5 = 3 आ गया एवरेज। और एक प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज का ये फॉर्मूला होता है। देखो इसमें क्या करना है, प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला आप याद रख लो, सबसे बढ़िया प्राकृतिक संख्या का योग निकालना हो तो आपको याद भी हो जाता है n(n+1)/2 होता है। ठीक है, अगर n संख्या है तो उनका योग निकालेंगे तो n(n+1)/2 करते थे। ठीक है ना, अगर उनका एवरेज निकालेंगे तो योग में संख्याओं का भाग दे देते हैं, तो ये योग तो ये हो गया, और एवरेज निकालेंगे तो योग में संख्या का भाग दे देंगे, योग योग या संख्या कितनी n, तो इस योग में n का भाग दे देंगे, n का भाग देंगे तो n ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गई, अब यहाँ से n, यहाँ से ये n कट जाएगी तो कितना बचेगा, n+1/2 बच जाएगा, ये क्या आ गया औसत आ गया।
एन संख्याओं का, इससे निकाल सकते हैं आप एन प्लस वन अपॉन टू से। संख्या कितनी है? पाँच प्लस वन अपॉन टू और छः अपॉन टू बराबर तीन। ठीक है, यह आ गया एवरेज। या आप ऐसे निकाल लो, ये क्या है, ऐसे मेरे हिसाब से नहीं निकालना, क्योंकि ये तो चलो छोटी संख्या थी आपने निकाल दिया जोड़ के, लेकिन मान लो बड़ी संख्या है, संख्या ज़्यादा दे दे तो मतलब दिक्कत हो जाएगी फिर। मतलब इस फॉर्मूले को आप याद रखो, सबसे बढ़िया ऐसे निकल जाएगा। और डबल डबल फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, संख्या को योग से ही, योग में संख्या को भाग दे देते हैं तो उससे एवरेज निकल जाता है। तो योग का फॉर्मूला एन एन प्लस वन अपॉन टू, इसमें अगर संख्याओं का भाग दे देंगे एन का, तो एन से एन कट जाएगी और एन प्लस वन अपॉन टू उसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली पांच पूर्ण संख्या का औसत। देखो पूर्ण संख्या आपको मैंने पहले बताया था जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, पाँच हो गई। बट्टे संख्या कितनी? पाँच। योग निकालो, चार तीन सात दो नौ एक दस बट्टे पाँच, कितना आया? दो आया। पांच प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज तीन आया था, और पांच पूर्ण संख्याओं का एवरेज दो आ रहा है। ठीक है, इसको अगर इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या रहता है देखो, इसमें इसमें भी प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं का योग का फॉर्मूला याद कर लो आप। पूर्ण संख्याओं का योग निकालते हैं ना हम, जैसे मान लो पूर्ण संख्या दे दी थी, मान लो शुरू से पचास, पहली पचास पूर्ण संख्याओं का योग निकालो, मान लो क्वेश्चन आया था, तो कैसे निकालेंगे भैया? एन एन माइनस वन इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, एन एन माइनस वन अपॉन टू रहता है। ठीक है, इससे निकाल देंगे। अभी इसमें क्या है, ये तो हो गया योग का, अगर औसत का इससे निकालेंगे तो इसमें संख्याओं का भाग दे देंगे, संख्या एन है तो एन से एन कट जाएगी, तो औसत कितना आ जाएगा? एन माइनस वन अपॉन टू, औसत का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो अभी इससे निकाल दो, पूर्ण संख्याओं का औसत का फॉर्मूला ये हो गया एन माइनस अपॉन टू। तो एन एन की जगह पर संख्या कितनी? पाँच माइनस एक बट्टे दो, कितना हो गया? चार बट्टे दो, चार बट्टे दो बराबर कितना आ गया? दो। ठीक है, ये हो गया औसत दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा जाता है, पाँच लगातार संख्या दी हुई है, पाँच छः सात आठ नौ का एवरेज पूछा है, ये शुरू से नहीं दी, बीच में से कहीं से भी उठा के पाँच संख्या दे दी, पाँच छः सात आठ नौ, इनका एवरेज पूछ लिया। एवरेज हमेशा क्या होता है? बीच वाला होता है। ठीक है, तो मतलब बराबर हो जाए सबको। कैसे? देखिए पाँच छः सात आठ नौ पाँच संख्या है, पाँच छः सात आठ नौ, ये लगातार पांच संख्या दे दें तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? बीच वाली संख्या हो जाएगा सात, डायरेक्ट सात हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो अगर मान लो मैंने बता दिया कि एवरेज सात हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये सब सात, इनके हिस्से में सात सात आना चाहिए। तो देखो ये आठ है, इसमें से एक माइनस करके इसमें एक प्लस कर देंगे, यहाँ से माइनस कर दिया, यहाँ पे एक प्लस कर दिया, ये वाला, यहाँ से देखो इसमें सात से कितना ज़्यादा है? दो, इसमें से दो घटा दिया, ये कितना कम है? सात से दो, दो इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से दो हटा के यहाँ लगा दिया, यहाँ से एक हटा के यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो सभी के पास सात सात आ गया, तो एवरेज कितना निकल गया? सात। उसी प्रकार से देखो, तो ऐसी मतलब बीच में से कंटिन्यू लगातार संख्या दे देगा तो उसमें बीच वाली का, बीच वाली संख्या रहती है एवरेज। ठीक है, तो इसमें कितनी रहेगी? सात। औसत कितना हो जाएगा इसका? इन पांच संख्याओं का सात। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा।
उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन ये देखो, 960, 961, 962, 963, 964 का एवरेज कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, बीच वाली संख्या कौन सी है ये? ठीक है सॉरी, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 962 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसा करता हूँ, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 59 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या मान ज्ञात कीजिए। देखिए एवरेज क्या है, 59 हमेशा एवरेज बीच वाली संख्या होती है। संख्या कितनी? 3, तो बीच वाली ये तो एक आगे हो गई, एक पीछे हो गई, 3 हो गई ना, 1, 2, 3। और ये बोला उसने 3 लगातार हैं, तो 3 लगातार के लगातार हैं, तो बीच वाली 59 है, तो उससे आगे वाली कितनी होगी? 58। और 59 से एक इधर वाली कितनी होगी? 60। ठीक है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 60। और सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 58। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 26 है। 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 26 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 7 लगातार संख्याओं का एवरेज 26 है, देखो संख्या कितनी है? 7। बीच वाली संख्या कौन सी हुई? 26 हो गई, क्योंकि उसका एवरेज 26 दे रखा है, तो बीच वाली हुई 26। और 7 संख्याएं, एक हमारी ये हो गई, बची कितनी? 6। तो ये बीच वाली तो इधर कितनी होंगी? 3, और इधर भी 3, 3 और 3 6, और 1 7, बीच वाली 7 है। 7 संख्या लगातार हैं, लगातार हैं, तो मतलब इधर एक एक माइनस होता जाएगा, इधर एक प्लस होता जाएगा। तो इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछिए, देखो कितना आ जाएगा? 25, 24, 23, 27, 28, 29। समझ आ गया? तो यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 23। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 29। ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। या फिर इसको और अगर टाइम सेव करना है तो क्या करना है? देखो एवरेज 26 है, संख्या लगातार 7 है, तो आपको पता है कि 26 बीच वाली संख्या है, संख्या 7 है, तो 6 बची, 6 बची तो इधर उधर 3 3 होंगी, तो 26 में से डायरेक्ट 3 घटा दो, 26 में डायरेक्ट 3 जोड़ दो, तो 26 और 3 29, 26 माइनस 3 23 निकल आएंगी दोनों संख्या, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए 201 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 5544 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 201 संख्या लगातार 201 कंटिन्यू, उनका एवरेज दे रखा है 5444। क्वेश्चन को देखिए, घबराना नहीं है, बोला 201 लगातार संख्या, भाई कैसे होगा क्वेश्चन, बहुत टेढ़ी खीर हो गई, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, बस दिमाग लगाना है। 201 लगातार संख्या, उनका एवरेज इतना है, देखो एवरेज इतना है मतलब बीच वाली संख्या इतनी है, ये कौन सी होगी? बीच वाली। तो एक तो ये घट गई, कितनी बची? 200। 200 में से 100 इधर आ जाएंगी, 100 आ जाएंगी इधर, ठीक है। तो मतलब सबसे बड़ी पूछिए तो इधर वाली पूछिए, तो इसमें सीधा 100 प्लस कर देंगे, तो जो जो सबसे 100 प्लस होंगे तो सबसे लास्ट वाली इधर वाली संख्या आ जाएगी ना, तो कितना आ जाएगा? 5644, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा रहा हूँ, समझ लो। देखो 201 संख्याएँ लगातार, एवरेज दिया है 5544,
मतलब 5 5 4 एवरेज है, तो इसका मतलब क्या है, 5 5 4 जो संख्या है वो सबसे बीच वाली संख्या है, और बीच वाली संख्या ये हो गई, टोटल संख्या है 201, 201 में से इस ये एक तो ये हो गई, तो कितनी बची, 200, 200 बची, तो 200 में से 100 इधर होंगी 100 इधर होंगी, क्योंकि ये बीच वाली संख्या है ना, इसलिए हमको पूछे सबसे बड़ी वाली संख्या, तो इधर 100 होंगी ना, तो 100 भी जो संख्या आएगी वही तो पूछी है, तो उसमें डायरेक्ट 100 जोड़ देते हैं हम, तो 5 6 12 4 आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 4 5 6 का एवरेज कितना होगा, ठीक है, वैसे तो हम निकालना है तो इन सभी को जोड़ दो, और चार संख्या है तो चार का भाग दे दो निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या रहेंगी ज़्यादा रहेंगी तो उनका फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलो इसमें तो टाइम ऐसे नहीं लगेगा ज़्यादा, लेकिन मान लो संख्या ज़्यादा हो जाएंगी तो उनको जोड़ना, फिर उसमें उतनी संख्याओं का भाग देना, मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो उस तरीके से हम इसको नहीं करेंगे, फिर भी आपको उस तरीके से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो संख्या है 4 6 4 10 15, और 3 18 बट्टे 4, 4 6 16.5, कितना एवरेज आएगा, 16.5। अब देखिए जो मैं जो जिस तरीके से आपको करना है वो देखिए, 3 4 5 6, ये संख्याएं शुरू से तो नहीं, एक से तो स्टार्ट नहीं है, ठीक है, ये बीच में से उठा के दे दी 3 4 5 6, लेकिन लगातार संख्याएं चारों, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज आपको पता है हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो एवरेज बीच में अगर इसमें आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसमें तो चार संख्या है तो बीच वाली कहाँ से लाएं इसमें, तो इसमें से बीच वाली एक ये इधर बीच वाली ये दो पड़ रही हैं इसमें बीच में, ठीक है, अब इनके बीच में देखेंगे 4 और 5 के बीच का कितना हो गया, 4.5 हो गया ना, तो एवरेज कितना हो गया, 4.5 हो गया, बात ख़त्म, ठीक है। अगर ऐसे नहीं अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या करना है, देखो इन बीच वाली दो संख्या अगर पड़ती हैं तो देखो दोनों को जोड़ के 9 हो गया, 2 का भाग दे दो, क्योंकि दो संख्या है, 4.5 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 12.5 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, संख्या कितनी टोटल 24, एवरेज उसका कितना है 12.5, देखिए 12.5 एवरेज है, तो ये सबसे वो बीच बीच वाली संख्या हो गई। अब इससे निकालेंगे संख्याएं, देखो एक निकल जाएगी इससे 12, एक निकल जाएगी 13, ठीक है, 12.5 दिया ना एवरेज, तो संख्या निकाल देंगे 12 13 निकल जाएंगे, क्योंकि देखो दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा, देखो ठीक है, 12 और 13 25, 25 में अगर 2 का भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा, ठीक, तो दो संख्या तो ये हो गई, ठीक है, दो संख्या ये हो गई, संख्या टोटल 24, ठीक है, टोटल 24 संख्या है, तो क्या करेंगे, 24 हैं तो 12 इधर होंगी 12 इधर होंगी, ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूछिए, तो 12 ये 12 है ना, इसके 12 संख्या इधर होंगी, 12 संख्या इधर होंगी, 12 नहीं होंगी सॉरी, 11 संख्या होंगी इधर, 11 इधर होंगी, 12 13, और 13 के बाद 11 संख्या इधर होंगी, क्यों, क्योंकि 13 और 11 24 हो जाते हैं, तो 11 इधर होंगी 11 इधर होंगी, तो सबसे छोटी पूछा है तो 11 इधर है, तो 12 में से 11 घटा देंगे, 12 में से 11 घटा दे कितना बचेगा, 1, ये भी सबसे छोटी, और इधर सबसे बड़ी पूछा है तो 11 में सॉरी 13 में 11 जोड़ देंगे इधर वाली, तो उससे लास्ट वाली पूछे ना सबसे बड़ी, तो कितना बचेगा, कितना आ जाएगा, सबसे बड़ी तो 24 ही रहेगी, क्योंकि टोटल 24 संख्याएं हैं,
जोड़ दो 24 आएगी, सबसे छोटी एक सबसे बड़ी 24। ठीक है, देखो इसको और मैं समझाता हूँ, थोड़ा विस्तृत करके एक बार और समझाता हूँ आपको। देखो सबसे आप ध्यान रखना, संख्या कितनी 24। 24 क्या एक सम संख्या है, जब भी सम संख्या देगा तो उसका एवरेज पॉइंट में आता है अधिकतर, ठीक है, और जब विषम संख्या देगा, जैसे मान लो चार संख्याएं थीं, ये चार संख्या सम है, चार संख्या दी तो चार संख्या तो सम, चार तो सम होता है, तो इस समय सम में क्या है दो संख्या बनती हैं, ऐसे जैसे ये बनी थी दो बीच वाली दो, और विषम में एक बनती है, जैसे मान लो पांच संख्या दी हैं, पांच संख्या में क्या है एक बीच वाली हो गई, दो लेफ्ट में हो गई, दो राइट में हो गई, तो बीच में एक ही संख्या रह गई एवरेज, ठीक है। लेकिन सम में क्या होता है, बीच में एवरेज दो संख्या रह जाती हैं, तो दोनों संख्याओं को जोड़ के दो दो का भाग देते तब निकाल लेते हैं एवरेज, ठीक है, सम में। उसी प्रकार इसमें क्या है, ये एवरेज दिया हुआ है तो इससे हम दो संख्या निकाल लेंगे 12 और 13, ठीक है, निकल जाएंगे, इससे पिछली और इससे अगली 12 13, तो दो संख्या तो ये हो गई और टोटल संख्या 24 है, बची कितनी 22। 22 बची तो 22 में से 11 इधर होंगी, 11 इधर होंगी, 11 लेफ्ट में, 11 राइट में, तो 11 घटा दिया 12 में से एक बच गया, ये सबसे छोटी संख्या हो गई, और 13 में 11 जोड़ दिया तो 24 आ गया, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार संख्याओं का एवरेज 3.5 है, छोटी व बड़ी संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन, चार संख्या समय, तो समय पॉइंट वाला एवरेज आया, देखो इसमें क्या है दो संख्या बना देंगे, 3.5 से क्या बन जाएगा, इसके पीछे वाला मतलब छोटा क्या बनेगा 3, बड़ा क्या बनेगा 4, ठीक है, तो दो संख्या तो ये हो गई, टोटल 4 है, बची कितनी 2, तो दो बची तो एक इधर हुई एक यहाँ हुई, दो 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगी, या 4 तो यहाँ 5 हो जाएगी, ठीक है। छोटी व बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, छोटी 2 गई, बड़ी 5 हो गई, ठीक है, छोटी कितनी हो गई 2, बड़ी कितनी हो गई 5। ऐसा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 लगातार संख्याओं का एवरेज 96.5 है, इसमें सॉरी सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए सेम टाइप है, उसी तरीका से करना है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। देखो बीच वाली संख्या क्या है 96.5, क्योंकि सम संख्या है तो इससे दो बन जाएंगी संख्या, देखो 96 बन जाएगी और एक 97 बन जाएगी, पॉइंट हटा दिया, ठीक है, तो दो संख्या तो ये हो गई, 50 संख्या थी दो ये हो गई, बची 48, 48 में से कितनी कितनी रहेंगी इधर 24, 24 रहेंगी, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी 24 घटा दो, 24 जोड़ दो, 6 और 4 10, हमसे 1, 9 और 10 और 2 12, 120 तो सबसे घटाना है सॉरी, तो 120 तो ये होगी सबसे बड़ी, 121 सॉरी 7 और 4 11, 1 10 और 12, 121 होगी सबसे बड़ी, उसको घटा देंगे 10 में से 4 गए 2 2, 9 में से 2 गए 7, 72, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हो गई 72, सबसे बड़ी संख्या हो गई 121, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज m है, अगर अगली दो संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन, 5 लगातार प्राकृतिक संख्या दी है, उनका एवरेज दिया m, अगर अगली दो संख्या और जोड़ दी जाए, मतलब 5 के बाद दो और जोड़ दी जाए तो टोटल संख्या होगी 7, ठीक है, तब उनका एवरेज कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखो
संख्या कितनी जोड़ रहा है बाद में, दो, तो एवरेज हम एक जोड़ देंगे, उसका आंसर वही हो जाएगा। संख्या पाँच थी, ठीक है, उसने दो जोड़ दिया, तो हम एवरेज में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। एवरेज कितना है एम, तो एम में एक जोड़ देंगे, एम प्लस वन, आंसर हो गया इसका। ठीक है, देखो इसका यहाँ पे नोट भी मैंने लिख दिया है, यदि कंटिन्यू सीरीज में एक संख्या जोड़ते हैं तब औसत 0.5 बढ़ता है, और यदि दो संख्या जोड़ते हैं तो एवरेज एक बढ़ जाता है। मतलब मान लो यहाँ पे हमने दो दो जोड़ा है, और यहाँ पे हम एक जोड़ते तो उसका आधा जुड़ जाता, मतलब